जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। लोगों ने जानबूझ के डिले किया है अपने सांस को खींचने के लिए। अभिनय की जुवेनिलिटी की डिसाइड होनी है। अभिनंदन पांडे की कंप्लेंट जो क्रॉस जो क्रिमिनल केस पड़ा हुआ वो डिसाइड होना है। अक्षय कुमार की रिव्यू पिटीशन डिसाइड होनी है। अक्षय विनय और पवन की क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड होनी है। देखिए एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है उसकी डेट तो कोई नहीं बता सकता। तो ये समझ लीजिए फंदा तैयार है, जल्लाद तैयार है, लेकिन 18 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि ये वो तारीख है जिस दिन कोर्ट आदेश देगा कि फांसी कब हो। वैसे देश ये उम्मीद कर रहा था कि 16 दिसंबर यानी जिस दिन निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, दोषियों को फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन फिलहाल ये सजा 18 दिसंबर तक के लिए टल गई है। यानी कानूनी पेचीदगियों की वजह से दोषियों को कुछ दिन की मोहलत और मिल गई है। इंसाफ की लड़ाई लड़ रही निर्भया की मां का कहना है कि जहां इतने साल हमने धैर्य से बिता दिए, कुछ दिन और सही। माना जा रहा था कि 13 दिसंबर वो दिन होगा जब निर्भया गैंगरेप के दोषियों को फांसी पर लटकाने का कानूनी रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि 29 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को नोटिस भेजकर कोर्ट के सामने 13 दिसंबर को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। जज इस मामले में दोषियों से ये जानना चाहते थे कि वो इस मामले में कहां कहां अपील लगा चुके हैं और कहां कहां और लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही कोर्ट ब्लैक वारंट जारी कर सकता है, उससे पहले नहीं। आइए पहले आपको बताते हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट में 13 दिसंबर को क्या हुआ। निर्भया मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से कहा गया क्योंकि इस मामले से जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, इस वजह से अभी सुनवाई नहीं हो सकती। आज निर्भया केस में जो डिसीज की मृतक की मां ने एप्लीकेशन लगाई थी उस पर सुनवाई थी, उसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कह दी है जो लीगल रेमेडी कन्विक्ट को मिली हुई है वो सारी अवेल की जाएंगी, क्योंकि अक्षय कुमार सिंह की तरफ से इस केस में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर के लिए पेंडिंग है। इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इंफॉर्मेशन यहां की कोर्ट में आई हुई है कि पहले उस पिटीशन को सुना जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसीजर आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में निर्भया मामले में दोषी अक्षय कुमार ने फांसी के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर की है। इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है। अब इसी मामले की सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में 18 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। निर्भया के माँ बाप की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी किया जाए ताकि फांसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। मैं पूरे तरह से कोर्ट पे विश्वास करती हूँ क्योंकि मैंने 7 साल से बड़ा धैर्य के साथ लड़ा है। ये भी एक हफ्ता मैं धैर्य के साथ लड़ूंगी। लेकिन जब तक उनका डेथ वारंट हमारे हाथ में नहीं आ जाता, उनको फांसी नहीं हो जाती, तब तक हम शायद संघर्ष करते हैं। लेकिन पिछली तारीख पर मेरी आपसे बात हुई थी, आपकी आंखों में आंसू थे, आपने कहा था मैं निराश लौट रही हूँ, आज कितनी आश्वस्त है, ठीक हो, तसल्ली हुई कि नहीं, अब हम उनके अपने इंसाफ के करीब पहुंच गए हैं और 17 तारीख को उनकी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होगी, 18 को उनका जो भी डिसीजन होगा उनका डेट और निकलेगा और उनको जल्द से जल्द फांसी होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को ही सुनवाई के दौरान निर्भया के परिवार के वकील दिल्ली पुलिस के वकीलों की तरफ से कहा गया कि डेथ वारंट को तुरंत जारी किया जाए। इसके लिए उन्होंने याकूब मेमन केस का हवाला दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से तर्क दिया गया कि पटियाला हाउस कोर्ट के पास अधिकार है कि वो डेथ वारंट जारी कर सकती है। अगर दोषी इसे चैलेंज करना चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। कितना समय आपको लग रहा है आपके हिसाब से कि इन सब चीजों में लग जाएगा? देखिए एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है उसकी डेट तो कोई नहीं बता सकता है। जब तक महामहिम राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन ये नहीं है कि मर्सी पिटीशन एंडलेसली कभी नहीं फाइल किया जा सकता है। विद इन 7 डेज फ्रॉम द डिसमिसल ऑफ रिव्यू पिटीशन मर्सी पिटीशन फाइल करने का पीरियड होता है। तिहार जेल ने ऑलरेडी 7 डेज नोटिस इन लोगों को दिया हुआ है। दे हैव नॉट अवेल्ड देयर राइट ऑफ मर्सी पिटीशन, सो देयर इज नो कोई रुकावट नहीं है कि कोर्ट जो है डेथ वारंट इशू कर सकती है। हालांकि जज ने सीधा कहा
कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। यानी अब निर्भया के गुनहगारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में जो कानूनी अड़चने हैं उनमें रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन का रोल अहम है। अब सबको इंतजार है 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि उसी के आधार पर दोषियों के बचाव का कानूनी रास्ता साफ होगा और 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट निर्भया के चारों गुनहगारों के डेथ वारंट पर फैसला ले पाएगी। निर्भया के दोषियों और फांसी के फंदे के बीच में कितनी दूरी है, ये 17 तारीख को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से तय होगा, क्योंकि अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से फैसला लेगा उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि पटियाला हाउस कोर्ट डेथ वारंट कब जारी करता है और ब्लैक वारंट जारी होने के बाद उन्हें फांसी कब तक दी जाती है। बहरहाल इस बीच निर्भया के परिवार का अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार और संघर्ष जारी है। कैमरामैन प्रदीप के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा, यानी 17 दिसंबर को क्या होगा और फिर 18 दिसंबर को क्या होगा, यही सवाल दोनों पक्षों के लिए बेहद अहम बना हुआ है। निर्भया पक्ष का मानना है कि बचाव पक्ष चाहे जो दलील दे, लेकिन सच यही है कि वो सिर्फ सांसों को कुछ और दिन तक खींचने की साजिश कर रहा है। सबको इंतजार है 17 दिसंबर और 18 दिसंबर का, जब निर्भया गैंगरेप केस में डेथ वारंट का रास्ता साफ होगा। 13 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में इसी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इसके आड़े आ गई एक कानूनी अड़चन। दोषियों के वकील के मुताबिक इस मामले में कानूनी बचाव के लिए अभी और भी कई कानूनी रास्ते हैं, जिसका एक एक कर वो इस्तेमाल करेंगे। हम आपको निर्भया केस के इस पहलू की एक एक जानकारी देंगे और बताएंगे कि दोषियों के बचाव के लिए अपनाए जा रहे उन कानूनी रास्तों के बारे में। निर्भया केस के चारों दोषियों में से एक अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई है और इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इसी की वजह से पटियाला हाउस कोर्ट में 13 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो पाई। तरह की लीगल रेमेडीज अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि आज की सुनवाई टल गई है, लेकिन 17 को जो सुनवाई होनी है उस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है, तो किस तरह की चीजें अब आप देख पा रहे हैं इस मामले में? देखिए, 17 तारीख को अक्षय कुमार सिंह की रिव्यू पिटीशन डिसाइड होनी है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि रिव्यू पिटीशन क्या है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार है। अदालत के दिए किसी फैसले पर पक्षकार कोर्ट से आग्रह करता है कि वो अपने फैसले पर फिर से विचार करे। इसे दाखिल करने की एक मियाद होती है। अगर रिव्यू पिटीशन डालनी है तो फैसला दिए जाने के 30 दिन के भीतर डाली जानी होती है। कोई भी पक्षकार फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। हालांकि निर्भया केस में रिव्यू पिटीशन पर फैसला तो 17 दिसंबर को ही होगा, लेकिन 30 दिन के मियाद के भीतर दाखिल करने वाली इसकी कानूनी शर्त निर्भया केस के आरोपियों के बचाव का ये रास्ता बंद कर सकती है, और ये सुनिश्चित करने के लिए इस पिटीशन के खिलाफ भी एक अर्जी लगाई गई है। जो हियरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो अक्षय ने पुनर्विचार याचिका लगाई है, उसमें आप लोगों की तरफ से भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई गई है, हस्तक्षेप अर्जी, तो ये आपने क्यों लगाई है? नहीं, हमने तो सिर्फ इसीलिए कि हमें भी कोर्ट सुने कि किस तरह से इस केस को डिले करने के लिए बार बार सेशंस कोर्ट में इसने अपने वकील के जरिए ये बात कही कि हम रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं पिछले एक साल से, तो क्यों आज तक, जबकि उनको पता है अच्छी तरह से कि सिर्फ 30 दिन का टाइम है रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए, फिर उसने क्यों एक साल का डिले किया है? निर्भया के दोषियों के वकील ने बचाव के लिए और भी कानूनी रास्ते खोल रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जब रिव्यू पिटीशन डिसाइड हो जाएगी, फिर हमारे पास क्यूरेटिव पिटीशन की आती है, तो अक्षय विनय पवन की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे। इसके अलावा बचाव पक्ष की उम्मीदें दो और मामलों पर भी टिकी हैं। पवन कुमार गुप्ता की जो जुवेनिलिटी दिल्ली हाईकोर्ट को डिसाइड करनी है वो होनी है, और अक्षय, पवन और विनय की तरफ से क्रिमिनल अपील दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है वो डिसाइड होनी है। लेकिन बचाव पक्ष की ये दलीलें राहत दे पाएंगी, इसमें भी कई पेच हैं, क्योंकि दोषी पवन की ये याचिका कि वारदात के वक्त वो 17 साल का ही था, ये निचली कोर्ट में पहले ही खारिज हो चुका है, जिसके बाद इस पर हाईकोर्ट में अपील की गई थी। इसके अलावा मामले के इकलौते गवाह पर भी केस किया गया कि उसने पैसे लेकर मीडिया को इंटरव्यू दिया, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में जब जज ने पूछा कि इस पर किस धारा में आपराधिक केस बनता है, तो बचाव पक्ष जवाब नहीं दे पाया। इस मामले में फिलहाल 20 दिसंबर को सुनवाई होगी।
देखिए जो भी है उसका कोई मायने नहीं के जुगनाइल का 2013 में खारिज हो गया था, जो भी पटीशन है उनका फंडा है इसको लंबा खींचने के लिए, लेकिन आज जो पटियाला कोर्ट हाउस में जब साहब ने उनको जवाब दिया ये सारे फंडे खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का 17 तारीख को खारिज होगा, 18 तारीख को लास्ट हेयरिंग होगी और उनका डेट वारंट निकलेगा और फांसी होगा। यानी निर्भया केस में अब सबसे बड़ी तारीख 17 दिसंबर और 18 दिसंबर होने जा रही है, जब ये साफ हो जाएगा कि इंसाफ की आखिरी मंजिल अभी कितनी दूर है। फांसी की तारीख तय होनी जरूरी है लेकिन जल्लादों का इंतजाम हो गया है। तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने यूपी के डीजी जेल को पत्र लिखकर दो जल्लाद का इंतजाम करने और उन्हें फौरी नोटिस पर तिहाड़ भेजने की गुजारिश की है। पत्र में जिन दो जल्लादों का नाम है उनमें से एक पवन जल्लाद है जो फांसी को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूपी से खबर आई है, खबर ये कि उत्तर प्रदेश के डीजी जेल के पास तिहाड़ के सुप्रिंटेंडेंट ने एक खत लिखा है। 9 दिसंबर को लिखे इस खत में उत्तर प्रदेश सरकार से जल्लाद मांगा गया है। लीजिए आप भी सुनिए इस खत के बारे में। ये सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल का एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने किसी का नाम न लेते हुए ये कहा है कि कुछ उनके यहाँ बंदी हैं जो सजा याफ्ता है और जिनकी सारी अपील्स निस्तारित हो गई है और कैपिटल पनिशमेंट उनको दिया गया है कि चूंकि यूपी में हमारे पास दो हैंगमैन हैं हमारे जेलों में तो हमारे हैंगमैन की आवश्यकता उन्होंने बताई है। अब सवाल यह है कि तिहाड़ ने यूपी से ही क्यों जल्लाद मांगा, तो आपको बता दूं कि इस वक्त देश में सिर्फ दो ही पेशेवर जल्लाद जिंदा बचे हैं और ये दोनों ही यूपी से हैं और बाकायदा यूपी सरकार की रिटेनरशिप पर हैं, यानी इन्हें भत्ता मिलता है। हमारे पास दो हैंगमैन हैं पूरे प्रदेश में और उनका जो एक सरकारी चार्जेस होता है, जो एक व्यवस्था बनी हुई है, उसी के अनुसार उनको चार्जेस वहन करना पड़ेगा जो भी राज्य उसको उनको लेता है। यूपी के जो दो जल्लाद इस वक्त यूपी सरकार की रिटेनरशिप पर हैं, उनमें से एक का नाम पवन कुमार है जबकि दूसरे का नाम इलियास उर्फ अली। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ से जो पत्र आया है उसमें बाकायदा इन्हीं दो जल्लाद के नाम लिखे हैं। इसकी वजह है तिहाड़ में पहली बार ऐसा होगा जब एक साथ चार लोगों को फांसी दी जाएगी, ऐसे में फंदा कसने और लीवर खींचने के लिए दो लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। पर क्या पवन और इलियास ऐसा कर पाएंगे? लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। इसी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे जारी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।